हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो आरआरबी क्लर्क प्री की थर्ड शिफ्ट के एग्जाम ओवर हो चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था और यहाँ गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का लेवल ईजी था, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थर्ड शिफ्ट में नॉर्मली होता है, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट आ जाता है, बट यहाँ मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों ही ईजी पूछे गए थे। ओवरऑल जो थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था ये ईजी था। मैथ्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो टेबुलर डीआई एक पूछा गया था, उससे 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। देन पाई चार्ट, एक पाई चार्ट डीआई दिया गया था, उससे 5 क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही इजी लेवल का सिंप्लीफिकेशन था, मतलब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल रहे थे। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज से लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड अरिथमेटिक से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया था, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट था, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन कोटिंग डिकोडिंग दिया गया था, एक क्वेश्चन इससे था। अननोन लीनियर सीटिंग था, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल जो रहता है वो पूछा गया था, इससे 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक मीनिंगफुल वर्ड दिया गया था। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन अल्फाबेट सीरीज से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मंथ बेस्ड एक पजल था, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस थे, सेलॉग से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्शन सेंस से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 2 क्वेश्चन मिसलेनियस थे। यानी कि ओवरऑल अगर यहाँ देखा जाए रीजनिंग में, तो लगभग हर सेक्शन से, हर टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं, कुछ कुछ कैंडिडेट्स ने तो इवन 75 प्लस अटेम्प्ट किया हुआ है, बट अगर यहाँ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट 70 प्लस रहेगा। अगर आपने 70 प्लस किया है तो ये बहुत ही सही है, आप डायरेक्टली फिर मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट अपनी कर सकते हो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है और आपने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।